देन नेक्स्ट कार्ड इज बियॉन्ड इल्यूशन. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो द थर्ड आई सीम्स टू हैव ओपन्ड अप. आप पिक्चर में अगर देखेंगे द कलर्स आर वेरी वाइब्रेंट. येलो कलर बहुत ही पॉजिटिव और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को दिखा रहा है. फिर वायलेट फ्लेम पीछे है, स्टार्स दिख रहे हैं. तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यूनिवर्स और कॉस्मोस से कनेक्शन बैठ रहा है. सो व्हाट डज दिस कार्ड से? जो बटरफ्लाई है इस कार्ड में, जो कि फेस का आउटर हिस्सा बन रहा है, ये अगर आप देखें, दिस इज समथिंग विच इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो रियल नहीं है. ये एक इल्यूशन है. बटरफ्लाई के पीछे कॉन्शियसनेस का चेहरा है. और अगर आप अंदर झांकेंगे तो आप अपने इटर्नल सेल्फ से मिल पाएंगे. जो दोनों आंखों के बीच की स्पेस है, दैट इज वेयर द थर्ड आई इज, यहाँ पे जो लोटस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट को, या राइजिंग सन अवेयरनेस. अब इनर सन अगर अवेयर होता है, मेडिटेशन रीबोर्न होता है, तो ये कार्ड आपको क्या रिमाइंड करता है कि बाहर भी देख लो फॉर व्हाट इज रियल, बिकॉज इनसाइड व्हाटएवर इट इज, जब आप देखेंगे तो यू विल कनेक्ट विथ योरसेल्फ, बट देन एट द सेम टाइम यू शुडंट बी फॉरगेटिंग कि आप इस फिजिकल वर्ल्ड में हैं. तो जब आप फोकस करते हैं एक्सटर्नल्स पे एंड व्हेन यू गेट कॉट अप इन जजमेंट्स, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, क्योंकि जजमेंट्स क्या करते हैं, जजमेंट्स हमें हमारी इल्यूशंस में ट्रैप कर लेते हैं. अगर हमारा किसी के लिए जजमेंट नेगेटिव है तो हम पहले से ही मान लेते हैं कि वो जो भी करेगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा. तो उससे खुद को फ्री करने के लिए इट इज रादर देन गोइंग ओपिनियनेटेड, आप रिलैक्स करके अपने अंदर झांके, बिकॉज देयर यू ऑलरेडी नो देयर इज अ वर्ल्ड जो आपको क्लैरिटी से बताएगा. इन अ वे इट इज अ कार्ड विच ऑल्सो सेज टू लुक विद इन योर सेल्फ, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें. अगर आप किसी से रिलेटेड ये कार्ड निकाल रहे हैं और कार्ड आपका आता है, तो आपका इस कार्ड के लिए इंटरप्रिटेशन है कि करेंटली आपके क्वेरेंट जिस भी सिचुएशन में है, वो जो उनकी इनर वॉइस, उनकी गट फीलिंग बोल रही है, उसे फॉलो करें. नाउ ड्रीम और रियलिटी. हाँ जी, मैं मतलब इसमें डिवाइन साइड जाना है या नहीं, मतलब ये कार्ड डिपिक्ट कर रहा है कि मतलब अगर आप डिवाइन से जा रहे हैं तो मत जाइए, मतलब बाहर की उसको भी देखिए. देखिए डिवाइन की ओर आप जाइए, लेकिन एट द सेम टाइम बाहर को नहीं भूलना है, बिकॉज कई लोग क्या होते हैं, वो इतना चले जाते हैं कि दे फॉरगेट व्हाट आर देयर कार्मिक ड्यूटीज, दे फॉरगेट कि वो इस वर्ल्ड को, फिजिकल वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं. ये कार्ड आपको ये दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट करने का बता रहा है. इट इज अ कार्ड विच सेज कि आप अपने अंदर भी जाके, बट एट द सेम टाइम डू नॉट फॉरगेट कि आप इस दुनिया का हिस्सा हैं. आप भी उसी जगह पे हैं जहां पे और लोग हैं. तो दोनों चीजों को एट पार रखना है. नाउ दो चीजों में एक डिस्टिंक्शन होता है ड्रीम और रियलिटी में. रियलिटी आपको डाउट करने पे मजबूर कर देती है, लेकिन ड्रीम के साथ यू गेट कैरिड अवे. तो ओशो यही बोलते हैं कि जो डाउट करने की कैपेसिटी है वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो ह्यूमैनिटी को मिली है. और जितने भी रिलीजन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, खुद की रूट्स डाउट की काट रहे हैं. एंड व्हाट पीपल वांट टू बिलीव इज कि वो अपने इल्यूशंस में खो जाते हैं. अब गौतम बुद्ध जैसे लोग जो पूरी एग्जिस्टेंस पे इंसिस्ट करते थे, वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो खुद को भी विटनेस करते हैं इस एग्जिस्टेंस के हिस्से की तरह.
नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट योर अवेयरनेस कि आप इस दुनिया को बिलोंग करते हैं, आपकी एग्जिस्टेंस दुनिया के हर चीज की तरह है. सो दे आर नॉट सेइंग कि ये ट्रीज नहीं है वहां पे या पिलर्स नहीं है, कोई इल्यूशन ऐसा नहीं है. बस ये है कि इल्यूशन इसके लिए सही वर्ड नहीं है. रियलिटी में ये चीजें एग्जिस्ट करती है, पेड़ भी हैं, पिलर्स भी हैं. अगर आप माया से हटके ये फिजिकल वर्ल्ड को देखोगे तो जो चीज जैसी है उसे एक्सेप्ट कर लेना भी एक हिस्सा है इसी दुनिया का रहने का. मैम बट ये कार्ड अगर ओशो जी से रिलेटेड, मतलब आत्मबोध से रिलेटेड है, तो उन्होंने तो खुद ही अपनी जब लाइफ चूज की थी तो उन्होंने तो अपनी मैरिड लाइफ को छोड़ के ही उस टाइम जब हो रही थी तो गए थे, तो फिर ये वाला फिलॉसफी कार्ड की उनके उससे कैसे मैच करती है जो वो हमारे को गाइडेंस देते हैं. देखिए ओशो, अगर आप गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं कि वो अपनी मैरिड लाइफ छोड़ के गए थे, यस, क्योंकि वो सफरिंग्स उनके दिमाग पे होवर कर रही थी. उनके माता पिता को ये बचपन में ही बोल दिया गया था कि ये शायद संन्यास ले लेंगे, तो इन्हें दुख दर्द से दूर रखना. तो उन्हें राजमहल में बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट में रखा गया था. फिर जैसे ही उनका सामना दुख दर्द से हुआ तो उनका मन उस चीज से विचलित हो गया. अब कई सवाल उनके मन में जागे, तो उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उनकी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, उनकी मैरिज हुई एंड फैमिली उन्होंने एक्सटेंड की, उसके बाद उन्हें ऐसे लगा कि उनकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक राजकुमार के तौर पे, कि वो है सबकी सफरिंग्स को एंड करना. तो उन्होंने उस कर्म को अपना धर्म बना लिया एंड देन ही मूव्ड अगेन फॉर एनलाइटनमेंट. तब उन्होंने जाके ज्ञान की खोज में वो भटकते रहे. फिर जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसे अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसे आगे फैलाया. राइट? यस मैम, बट मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे वो भी तो अपनी कार्मिक ड्यूटीज अपनी फैमिलीज को छोड़े थे, तो जैसे आपने हमें बताया कि मतलब हमें ये कार्ड ये बताता है कि खाली आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के ना जाके अपनी फैमिली लाइफ अपने कार्मिक उसको भी ध्यान में रखना चाहिए. तो मैं कह रही थी कि जो उनकी अगर उनका हम उसके अंदर जैसे आप ओशो जी के हिसाब से पढ़ते हैं तो उस केस में हमें ये कार्ड कैसे मैम हम मतलब जो भी उनकी लाइफ है वो उसके हिसाब से तो कार्ड्स को डिपिक्ट करना होगा ना. नहीं देखिए, गौतम बुद्ध की इन्होंने सिर्फ टीचिंग्स ली है. ओशो जी की टीचिंग्स हमेशा क्या बताती हैं कि आप जैसे हैं वैसे खुश रहिए. इन्होंने क्या कहा कि अगर आपसे गलती हो रही है, एक बार हुई, दूसरी बार हुई, रिपीटेडली भी हो रही है, तो उसे करते रहिए, क्योंकि इनके हिसाब से अगर आप गलतियां करेंगे तो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म उभर के आएगा, आप एक क्रिस्टल बन जाएंगे, प्योर फॉर्म में आ जाएंगे. तो ओशो जी की टीचिंग्स गौतम बुद्ध की टीचिंग्स से अलग है, इन दोनों को मिक्स मत कीजिए. हाँ, ओशो जी कुछ हद तक गौतम जी को मानते थे तो वो चीज उन्होंने फैलाने की कोशिश की है. राइट? उन्होंने सिर्फ गौतम बुद्ध की एनलाइटनमेंट वाली हिस्से को इसमें इंक्लूड किया है. ओके, फाइन.